Welcome to live class, my dear students. I am Kamini sir. I am going to teach you English grammar of voice. जी मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, मुझे विश्वास है हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा. और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का व्हाट अफर्मेटिव सेंटेंस. जी क्या बच्चों, व्हाट अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हर एक पार्ट आपको टाइम टू टाइम देखेंगे, अगर सही से देखेंगे तो वॉइस में आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो. मैंने पहले ही बताया था, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, चाहे किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो, सभी प्रकार के एग्जाम में आपको वॉइस में से क्वेश्चन टिक ही कर देता है, क्योंकि बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है. मैं क्लाउडी सर आपको बेसिक बता रहे जा रहा हूँ. सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए हम लोग इसके रूल को देखते हैं. से व्हाट प्लस, ईच प्लस, विथ हर प्लस, बाय प्लस, सब्जेक्ट प्लस, अदर. क्या समझे बच्चों, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे ही सी इट नेम, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के साथ क्यों ईच का ही प्रयोग करते हैं. यह अकेला ही ऐसा रूल है कि व्हाट के साथ क्यों ईच का प्रयोग करेंगे. यह तो बहुत आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट. आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं. जैसे कि दिया, व्हाट डू यू वांट नाउ, What do you want now? अब तुम क्या चाहते हो, या आप लोग अब क्या चाहते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. इस रूल के अनुसार ही चलना, कोई और नियम का प्रयोग नहीं करना है. सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, want. ओके, फिर यहाँ पे इच, किसका प्रयोग करेंगे, इच. कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे यू दिया, इससे मतलब नहीं हमें, यहाँ पे आई भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, यहाँ पे अस भी हो सकता है, तो उससे कम कोई नहीं लेना देना, क्योंकि सभी के साथ, याद रखिए, सभी सब्जेक्ट के साथ व्हाट के नियम में कौन इच का प्रयोग करेंगे. तो क्या आपने लिखा व्हाट, और फिर अपने यहाँ पे लिख दिया बच्चों इच, व्हाट इच. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म वांट, और वांट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, वांटेड. क्या होता है, वांटेड, डब्ल्यू एल टी ई डी हो गया, व्हाट हो गया, इज हो गया, वांटेड. फिर किसका प्रयोग करेंगे, बाय, किसका, बाय. और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बच्चों, यू, यू को ट्रांसफर करेंगे तो यू होगा, लास्ट में क्या होगा, नाउ होगा. तो आपने क्या देखा बच्चों, देखिए व्हाट हो गया, फिर हमने इज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख दिया गया, क्या होगा, वांटेड. फिर क्या होगा, बाय हो गया, और सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, यहाँ पे यू को ट्रांसफर किया गया तो यू ही होगा, और फिर अदर वर्ड भी क्या होगा, नाउ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट डज सी ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, वो बाजार से क्या लाती है. इसमें सब्जेक्ट दिया रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट की जिक्र नहीं कर रही है. वो फल ला रही है, वो सब्जी ला रही है, वो किताब ला रही है, उसकी जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए कहा यहाँ पे व्हाट डज सी ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट. तो हम क्या करेंगे, रूल के अनुसार चलेंगे बच्चों. सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, व्हाट हो गया, और फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, इच. व्हाट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहता है ब्रिंग, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे ब्रॉड. तो आपने लिख दिया बच्चों ब्रॉड, बी आर ओ यू जी एच टी, क्या हो गया, ब्रॉड. फिर लिखे बच्चों बाय, तो यहाँ पे बाय, और सी को ट्रांसफर करते हैं, आप जानते हैं, आई को मी में, वी को अस में, दे को दिन में, ही को हिम में, सी को हर में, उसी प्रकार सी को परिवर्तन करेंगे किस बच्चों, हर में, बाय हर, और फिर ये अदर वर्ड को उतार दिया जाएगा, क्या हो गया, आपने लिखा फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, और लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे. आगे देखिए, व्हाट डू आई सेल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्या बेचता हूँ. इसमें सब्जेक्ट दिया है बट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, पर व्हाट डू आई सेल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्या बेचता हूँ. तो यह रूल के अनुसार चलेंगे बच्चों. सबसे पहले आपने लिख दिया व्हाट, व्हाट, और फिर क्या, देखिए आई इधर आता तो आई को मी में परिवर्तन करते थे, लेकिन इसके साथ भी, आई के साथ भी हम इच का प्रयोग करेंगे व्हाट के लिए. मैं तो अपने का सबसे पहले व्हाट, और फिर आपने लिखा इच, क्या लिखा बच्चों, व्हाट की, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, फिर सोल्ड, व्हाट इज सोल्ड, बाय, और आई को परिवर्तन करेंगे मी में, और इन द मॉर्निंग, क्या होगा, इन द मॉर्निंग, क्या बच्चों, अपना इन द मॉर्निंग. जी आपने क्या लिखा, सबसे पहले हो गया बच्चों व्हाट, प्लस हो गया इज, फिर ओवर की थर्ड फॉर्म सोल्ड, फिर आपने क्या लिखा, बाय, फिर हो गया आपके बाय मी, और अदर वर्ड में क्या होगा, इन द मॉर्निंग. जी मेरे प्यार बच्चों, इस तरीके से आप एक एक रूल का प्रयोग करके अच्छी तरीके से आप वॉइस को जकड़ कर सकते, एक नोट्स बना सकते, ताकि आगे चल के आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो मेरे प्यारे, इसको अच्छी तरीके से वॉच करने का प्रयास करेंगे. आपकी क्लाउडी सर, थैंक्स.